नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस आयुर्वेदा की एक और नई वीडियो में। मैं हूं मुस्कान और आज मैं आपको बताने वाली हूं कृष्ण नील के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम एनागलिस अरवेंसिस है और हम इसे हिंदी में धरती धक या गौथी भी कहते हैं। ये पौधा हमें ठंड के मौसम में खरपतवार के रूप में देखने को मिलता है और इसमें नीले पुष्प भी होते हैं। कृष्ण नील प्रकृति से तीखा, कड़वा व गर्म होता है। प्राचीन भारत में इसकी खेती नीला रंग बनाने के लिए की जाती थी, लेकिन जब से कृत्रिम नीला रंग बनने लगा है तब से इसकी खेती लगभग बंद हो चुकी है। लेकिन इसका उपयोग अब भी होम्योपैथी, यूनानी एवं पारंपरिक चीन चिकित्सा प्रणाली में दवा बनाने के लिए किया। ये पौधा नम स्थानों पर रबी फसल के समय पाया जाता है तथा इसे पक्षी और खरगोशों के लिए जहरीला बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों, इस पौधे में एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए एक डिटॉक्सिफायर के रूप में भी कार्य करता है। सिर दर्द के लिए, दोस्तों यदि आपको तनाव यानी कि स्ट्रेस की वजह से सिर दर्द रहता है तो आप इसके पत्ते तथा जड़ को पीस कर उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा करने से आपको सिर दर्द से राहत मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। कीटनाशक के रूप में, दोस्तों इसके तेल का उपयोग हम कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं तथा इसकी सहायता से हम कीड़ों को दूर भगा सकते हैं। क्षय रोग या टीबी के लिए, दोस्तों 1 से 2 ग्राम नीली के जड़ के पेस्ट को दूध के साथ मिला करके टीबी या क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को देने से आराम मिलता है। सांप या बिच्छू के डंक मारने पर, दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को सांप या बिच्छू ने काटा है तो उस स्थान पर नीली के जड़ तथा पत्ती का पेस्ट लगाने से तथा 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े का सेवन कराने से विष का असर कम करने में मदद मिलती है। मुख के लिए, दोस्तों नीली की जड़ को चबाकर मुख में रखने से दांत के कीड़े मर जाते हैं तथा बदबू से भी छुटकारा मिलता है। जोड़ों के दर्द के लिए, दोस्तों नीली अन्य रोगों के साथ साथ जोड़ों के दर्द पर भी काम करता है। यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द है तो नीली के बीजों को पीस कर जोड़ों पर लगाने से आराम मिलता है। ऐसा करने से गठिया में भी फायदा मिलता है। चोट के लिए, दोस्तों यदि कोई पुराना चोट या घाव है जो ठीक नहीं हो रहा तो नीली की जड़ के पेस्ट को लगाने से घाव जल्दी ही ठीक हो जाता है और निशान भी नहीं पड़ता। त्वचा की खुजली के लिए, दोस्तों त्वचा के किसी भी प्रकार की खुजली के लिए हम इसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो कृष्ण नील की इन्हीं खूबियों के साथ ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।